जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैफली अरशद किंग। आप देख रहे हैं स्टार टॉक्स विद किंग। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल पे लेटेस्ट अपलोड आने वाली आपको मिल सके सबसे पहले। मेरी वीडियोस को लाइक करके मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूं। आज का हमारा टॉपिक है जो ट्रैफिक पुलिस है मोटरवे की, उनको सैफली अरशद किंग की तरफ से सलाम है। उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया, जो ड्यूटी पे जाने से पहले वो वादे वो कस्में ली जाती हैं उनसे, वो कस्मों और वादों की उन्होंने इज्जत रख ली। जी जिस तरह की आप सुन रहे हैं, इस वक्त एक पाकिस्तान में एक वाकया पेश आया और मोटरवे ट्रैफिक पुलिस के हवाले से वो बहुत अच्छा रहा है। ये एक शख्स ट्रैवल कर रहा था कोस्तान में और वो कहीं पर स्टे करने के लिए रुकी थी, फैसलाबाद से इस्लामाबाद को जा रही थी। ठीक है, तो रास्ते में उन्होंने स्टे किया, तो स्टे करने के लिए जिस तरह आपको पता है कि 10 से 15 मिनट के लिए वो स्टे करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कौन सा पैसेंजर आया कि कौन सा नहीं आया, वो ऐलान कर देते हैं बस रुकने से पहले कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे अगर आप लोग 10 मिनट तक ना वापस आए। क्योंकि ये जितनी भी बड़ी बड़ी बसें चलती हैं ये टाइम की पाबंद है, इस वजह से इन्होंने ये शेड्यूल रखा है। उस साहब को लग गए थोड़ी सी देर और वो जब वो आए वहाँ पर तो कोस्तान जा चुकी थी। तो इन ये परेशान हो गए, इनके पास सामने नजर आई मोटरवे पुलिस। इन्होंने मोटरवे पुलिस से रابطہ किया, उनको बताया कि ये सूरत हाल, इनका एक बैग पैसों का भरा हुआ, जी हाँ बिल्कुल जिस तरह की आपने सुना, पैसों का भरा हुआ बैग उस कोस्तान बस में रह गया। उस बैग में 25 लाख रुपए पाकिस्तानी थे। तो ट्रैफिक पुलिस ने फिर उस बस का नंबर उनसे पूछा, उनको याद था, और उन्होंने उस हवाले से फिर उस बस को मोटरवे पे ही रोक लिया और इनको लेके उस बस के पास पहुंच गए और बाहफाजती उनकी अमानत उनको लुटा दी। और इस बात को सुन के पाकिस्तानियों का दिल बहुत खुश हुआ कि अभी भी दुनिया में सच्चाई है और अच्छे लोग हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है, वरना ये दुनिया कब की बर्बाद हो चुकी होती। इसी के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से भी उन लोगों को सलाम है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मेहनत की है या कोई ऐसे काम किया है, उन सबको सैफली अरशद किंग की तरफ से सलाम है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है और जो मेरे आने वाली अपडेट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको आगाही करता रहूँगा। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली चैनल पर लेटेस्ट अपलोड आपको मिल सके सबसे पहले। और मेरी वीडियोज़ को लाइक करके मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ लाता रहूँ।